नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। इस समय आप देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं 29 मार्च 2020 की ताजा और छोटी बड़ी प्रमुख खबरों को फटाफट। सीएम नीतीश कुमार बोले, लोगों को बसों से भेजना गलत, ऐसे में लॉकडाउन फेल हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन में विशेष बसों से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह भेजना ठीक नहीं है, इससे लॉकडाउन करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर इससे बीमारी फैलती है तो उसे रोक पाना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार का यह बयान तब आया जब दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार बसों के जरिए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि लोग जहां फंसे हुए हैं उनके लिए उसी स्थान पर व्यवस्था किया जाए, कैंप लगाकर सरकार उन्हें ठहराए और भोजन की व्यवस्था करे। आज कल में नहीं, अप्रैल में निकलेगा बिहार बोर्ड की मैट्रिक का रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद से विद्यार्थियों की निगाहें मैट्रिक के परिणाम पर टिक गई है। लेकिन मैट्रिक का रिजल्ट आजकल में नहीं बल्कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में परिणाम आने की संभावना है। बिहार बोर्ड के प्रवक्ता राजू द्विवेदी ने बताया कि मैट्रिक की कॉपियों का अभी मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है। लॉकडाउन के कारण मूल्यांकन का कार्य 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। स्थिति के अनुकूल रही और 14 अप्रैल के बाद कॉपियों का मूल्यांकन दोबारा शुरू होता है तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में परिणाम आने की संभावना है। कोरोना पीड़ितों के मदद के लिए राबड़ी देवी ने आगे बढ़ाया हाथ, दान किए 1 करोड़। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कोरोना पीड़ितों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ की धनराशि दान किया है। लॉकडाउन में इंटरनेट का यूज 20-25% बढ़ा। कोरोना संक्रमण के बीच पूरे देश में लॉकडाउन के स्थिति में सभी लोग घरों में कैद हैं। ऐसे में समय काटने के लिए एकमात्र माध्यम टेलीविजन और इंटरनेट रह गया है। टिकटॉक, वीमेट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के सारे जिंदगी कट रही है। इससे इंटरनेट का यूज 20-25% बढ़ गया है। बता दें कि BSNL का पहले 56 Gbps का प्रयोग हो रहा था, अभी 75-80 Gbps से इंटरनेट का यूज बढ़ गया है। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ चैती छठ। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दी बधाई। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ शनिवार को यानी 28 मार्च से शुरू हो चुका है। हालांकि कोरोना वायरस के आतंक की वजह से इस साल छठ करने वाले लोग घरों में बंद रहकर इस व्रत को कर पाएंगे, जबकि कई व्रतियों ने वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर छठ पर्व करना रद्द कर दिया है। बता दें कि सोमवार को अस्तांचल गामी सूर्य को अर्घ दिया जाना है और मंगलवार को उदयीमान सूर्य को अर्घ देकर व्रती पारण करेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चैती छठ के अवसर पर राज्यवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने खोला घर का दरवाजा, किया अपील। रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने लॉकडाउन में फंसे जिन लोगों को खाना और रहने की समस्या है उनके लिए अपने घर का दरवाजा खोल रखा है। श्री कुशवाहा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। डिलीवरी से एक दिन पहले तक मिलन ने बनाई कोरोना किट, देश कर रहा है उन्हें सलाम। कोरोना संकट के लिए रेलवे तैयार, AC कोचों को किया आइसोलेशन वार्ड में तब्दील। कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए भारतीय रेलवे भी आगे आया है। इस महामारी से निपटने के लिए रेलवे ने अपनी AC कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने में जुटे हैं। शनिवार को रेलवे ने इससे सफलता हासिल करते हुए एक डिब्बा आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार कर लिया है। दिल्ली में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने 1000 बसों का किया इंतजाम। दिल्ली से वापस अपने घरों को लौट रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 1000 बसों का इंतजाम किया है। लॉकडाउन में गरीबों का सहारा बने पटना पुलिस के जवान, बांट रहे हैं खाना। लॉकडाउन की स्थिति में पटना पुलिस के जवान गरीबों और बेसहारों को मदद को आगे आकर खाना बांट रहे हैं। पटना जिले के सभी थाने के जवान अपने स्तर से गरीबों को खाना देने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की इस कार्य के लोग सराहना कर रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अक्षय कुमार ने डोनेट किए 25 करोड़। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि दान की है। अक्षय कुमार ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए लिखा है कि वो कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जंग लड़ने के लिए सहयोग करते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए दान करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाया PM केयर फंड, देशवासियों से की दान देने की अपील। शिक्षकों को सरकार ने दी राहत, 1 माह का वेतन देने का किया ऐलान।
बिहार के 48 नियोजित शिक्षकों को 1 मार्च जनवरी 2020 का वेतन देने का फैसला बिहार सरकार ने किया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा पत्र भी जारी किया गया है। बता दें कि शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर हैं और वेतन बंद है, जिससे स्थिति दयनीय हो गई है। कोरोना के खिलाफ टाटा ग्रुप का बड़ा ऐलान, सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन कर रहे हैं तारीफ। कोरोना वायरस से निपटने के लिए टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़ देने का ऐलान किया है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने कहा है कि इसके लिए इमरजेंसी रिसोर्स की जल्द से जल्द आपूर्ति होनी चाहिए। इससे पहले वेदांत ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने 100 करोड़ का ऐलान किया था। महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा ने कहा है कि वह 1 महीने की पूरी सैलरी दे देंगे। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।